नमस्कार विद्यार्थियों, तुतला जीवित ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। आज मैं चर्चा करूंगा आपके साथ एक प्रख्यात समाजशास्त्री लुई ड्यूमा पे। लुई ड्यूमा ने भारतीय सामाजिक श्रेणीकरण पे काफ़ी काम किया है। जाति व्यवस्था पे पुराने विचारकों के अलावा लुई ड्यूमा का एक अलग ही सिद्धांत था। लुई ड्यूमा हालांकि ग्रीस के में इनका जन्म हुआ था 1 अगस्त 1911 को, ऑक्सफोर्ड में इनकी पढ़ाई हुई और फ्रांसीसी सभ्यता से काफ़ी प्रभावित थे। 19 नवंबर 1998 को आपका निधन हुआ। भारत में काफ़ी समय रहे हैं, तमिलनाडु में रहे, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रहे हैं, यहाँ रह के इन्हें क्षेत्रीय अध्ययन किया और इनका पूरा जो शैक्षणिक कैरियर का प्रादुर्भाव है 1930 के मध्य में प्रख्यात समाजशास्त्री मार्शल मॉस के निर्देशन में हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध के कारण बंदी हो गई थी। युद्धबंदी में इनकी पढ़ाई में अध्ययन में बाधा आई। ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और 1949 से 1950 की अवधि में तमिलनाडु में दक्षिण भारतीय संस्कृति को जानने के लिए बिताया। इन्होंने अपना जीवन वहाँ समर्पित किया और ये साउथ इंडियन सबकास्ट हायरार्की एंड मैरिज अलायंस इन ईस्ट इंडिया की रचना 1957 में की। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 1951 से 1955 की अवधि में भारतीय समाजशास्त्र के प्रवक्ता थे। ऐसा भी कहा जाता है कि एमएन श्रीनिवास को यही अपने साथ ले गए थे और ऑक्सफोर्ड में स्थापित किया था। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है होमो हायरार्कियस, जिसे वो फ्रांसीसी भाषा में 1967 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें जाति पे काफ़ी कुछ लिखा है। ड्यूमा ने 1955 में भारतीय परंपरा के अध्ययन की महत्ता स्थापित की। वो कहते हैं कि इंडिजेनस अध्ययन करना चाहिए। एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, इंडिजेनस थे, इंडोलॉजी थे और सोशलॉजिस्ट थे। कहते थे भारत का समाजशास्त्र जो है, इन्होंने भारत के समाजशास्त्र की चर्चा करते हुए कहा कि भारत का समाजशास्त्र समाजशास्त्र और भारत शास्त्र सोचने की बात है। देखिए, समाजशास्त्र और भारत शास्त्र के संगम पर होना चाहिए। अभी यहाँ क्या हो रहा है, यूरोप के संगम पे भारत की रचनाएं हो रही है। यूरोपियन समाजशास्त्री भारत को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, बोले हमको समाजशास्त्र को समाज भारतीय संदर्भ में समझना चाहिए। इनका कहना था भारतीय मूल्यों के अध्ययन के लिए हमें यहाँ के धर्म ग्रंथों को अध्ययन करना होगा, जिनका नहीं किया जा रहा, और इसके लिए संस्कृत भाषा का ज्ञान जरूरी है। इसलिए ड्यूमा ने सबसे पहले तमिलनाडु में रहकर संस्कृत भाषा सीखी और मनुष्य के अवलोकनात्मक व्यवहार के आधार पर उन्होंने उन मूल्यों विचारों को आधार बनाया जो मनुष्य सामूहिक रूप में स्वीकार करता है, पहचानता, अभिव्यक्त, मतलब मनुष्य के जो व्यवहार हैं जो सामूहिक रूप में स्वीकार किए जाते हैं, पहचाने जाते हैं, जिनकी अभिव्यक्ति होती है, इनको उन्होंने माना। और वो कहते हैं ये सारे मूल भारत के धर्म ग्रंथों में हैं, वहाँ स्रोत हैं, उन्हीं स्रोतों के आधार पर उन्होंने अध्ययन किया। इनकी एक किताब है होमो हायरार्कीस, ये एक बहुत ही प्रमुख और विवादोत्पक पुस्तक मानी जाती है। इसमें ड्यूमा ने भारतीय जाति व्यवस्था का अध्ययन अन्य अध्ययनों की अपेक्षा भिन्न और इसलिए माना जाता है इनका अध्ययन क्योंकि घुरिये, होकार्ट, हटन, सेनार्ट ने, जो रिजले ने, श्रीनिवास आदि ने जो अध्ययन किए हैं, वो कहते हैं इन लोगों ने जाति के गुण दोष का उल्लेख किया है, जबकि ड्यूमा जो है वो गुणदोष, जाति के गुणदोष की बात नहीं करते। वो उन आधारों को ढूंढने का प्रयास करते हैं जो संपूर्ण हिंदू सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को विश्लेषित करता है या निर्धारित करता है, जैसे हिंदू विवाह, सामाजिक संस्करण, भौतिक संपर्क, श्रम विभाजन, यजमानी व्यवस्था, शक्ति सत्ता का वितरण, नियमित नियंत्रित करने वाली विचार की, जैसे हमारे विचार, मूल और परंपराएं, इनको विश्लेषण का आधार बनाया। बाकी सबने जाति व्यवस्था के गुण दोष देखे कि जाति में क्या गुण है, जाति में क्या दोष है, लेकिन ड्यूमा ने गुण दोष की बात ही नहीं करी। ड्यूमा ने पूरी संपूर्ण हिंदू सामाजिक व्यवस्था को देख के और उसके आधार उसमें उन्होंने शुद्धता और अशुद्धता की अवधारणा को आधार बना के भारतीय जाति संरचना और सामाजिक श्रेणीक्रम का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। मदन, जिन्होंने एक परिभाषा दी थी जाति एक बंद वर्ग है, मजूमदार और मदन, उनका कहना था ड्यूमा की पद्धति एक सिद्धांतकार की पद्धति है, एक थ्योरिस्ट की
पद्धति है, वो ड्यूमा की पद्धति सिद्धांतकार के समान है, जिसका विश्लेषण निगमात्मक और द्वंद्वात्मक दोनों है। निगमात्मक इस आधार पर कि वो पूर्व निर्धारित सामान्य नियम जो श्रेणी क्रम है के आधार पर किसी घटना का, जैसे भारतीय जाति संरचना एक घटना है, उसको खोज करता है। द्वंद्वात्मक इस आधार पर है कि उसने पवित्रता और अपवित्रता को द्वंद्व मनाया, कि भारत में पवित्रता, शुद्धता और अपवित्रता में द्वंद्व होता है। इस द्वंद्व के आधार पर जाति श्रेणी क्रम का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। इसलिए मदन कहते हैं ड्यूमा की पद्धति एक प्रयोगात्मक पद्धति है। ड्यूमा ने श्रेणी क्रम की व्याख्या में विचार की मूल विचार, जो हमारे विचार की है, हमारे मूल विचार है, इसको प्रथम माना, इसको प्राथमिक ही माना, और इसके आधार पर तथ्य इकट्ठे करके इसकी पुष्टि की है। ड्यूमा कहते हैं भारत में भारत और पश्चिमी की संस्कृति दो परस्पर विरोधी संस्कृतियां हैं, इसलिए पश्चिमी समाज में व्यक्ति के अलावा अन्य कुछ नहीं है, जबकि भारतीय समाज में सामूहिक व्यक्ति के अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण, जाति को सामूहिक व्यक्ति के रूप में लेते हैं और पश्चिम में व्यक्ति को महत्वपूर्ण माना जाता है। ड्यूमा कहते हैं एक परिवर्तन ये हुआ है पश्चिमी समाज का भारत में आने से, पश्चिमीकरण से, कि जातियां जो हैं अंतर निर्भर समूह की बजाय प्रतिस्पर्धी समूह बनने, उनमें जातियों में प्रतिस्पर्धा हो रही है। एक ही परिवर्तन उन्होंने बताया कि जातियों में अंतर निर्भरता जो थी, एक जाति दूसरी जाति पर जो अंतर निर्भर थी, वो कम हुई है और आपस में वो प्रतिस्पर्धी हो गई, प्रतिस्पर्धा करने लगी। फिर उसको उन्हें जाति में जो श्रेणीकरण किया है, हायरार्की टॉप टू बॉटम लाए हैं, उसमें शुद्धता से संबंधित प्रकारों को करने वाली जातियां, जो शुद्धता से संबंध प्रकारों को करने वाली जातियां अशुद्धता से संबद्ध प्रकारों को करने वालों की अपेक्षा ऊपर के सोपान में है। शुद्धता पर आधारित व्यवसाय और श्रम को तो अशुद्धता पर आधारित व्यवसाय और श्रम के साथ नहीं मिला सकते, उनका कहना इनको हम अलग अलग रखते हैं। आपने देखा होगा ड्यूमा की जो शुद्धता अशुद्धता की अवधारणा है, वो एक बृहत अम्ब्रेला की तरह, छाते की तरह है, जिसमें तात्कालिक भौतिक पहलुओं जैसे सफाई, स्वास्थ्यवर्धकता, दैनिक आचरण, आदतें, संस्कृति, सभ्यता, ये सारे अव्यय शामिल हैं। इनने उसको दो भागों में बांट दिया, एक अस्थाई अशुद्धता जो टेम्परेरी अशुद्धता होती है और एक स्थाई अशुद्धता। अस्थाई अशुद्धता वह है जो क्षणिक है, कुछ समय के लिए अशुद्धता होती है और बाद में खत्म हो जाती है, एक निर्धारित अवधि में समाप्त हो जाती है और पुनः वो शुद्धता प्राप्त कर लेती है। इसके लिए उन्होंने बताया कि भारतीय समाज में एक बहुत बढ़िया चीज़ है, उन्हें मासिक धर्म की बात की, रजस्वला स्त्रियों के लिए प्रसव काल में ये कुछ समय या मृत्यु के समय आप 13 दिन के दरमियान ये कुछ पीरियड हैं, जैसे मासिक धर्म हुआ, प्रसव काल हुआ, मृत्यु काल हुआ, यहाँ पे लोग वाक अशुद्ध हो जाते हैं, पूरा का पूरा परिवार अशुद्ध हो जाता है और एक अवधि के पश्चात वो पुनः शुद्ध हो जाता है। इसके विपरीत स्थाई अशुद्धता वह जो परिवर्तनशील नहीं है, जैसे मृत्यु संस्कार को करने वाला डोम का पैसा जो चांडाल होते हैं, और गंदे कपड़ों को साफ करने वाला धोबी का पैसा लॉन्ड्री, ये बोले हमेशा अशुद्ध रहते, ये कभी शुद्ध नहीं होते। ये उन्होंने एक इसके आधार पे शुद्धता अशुद्धता का यहाँ पे बताया। फिर उनका कहना था शारीरिक संपर्क, भोजन, पेयजल आदि पे नियंत्रण और निषेधों के आधार पर धार्मिक श्रेष्ठता और अधीनता, मतलब उसके आधार पर अधीन होते हैं जो उसका प्रादुर्भाव होता है, जो कालांतर में आर्थिक संबंधों में उच्चता और निम्नता का श्रेणी क्रम निर्धारित करती। ये कुछ उनके पवित्र अपवित्रता से जुड़े मूल थे, जो विचार थे, मूल विचार विचार की थी, जो शारीरिक संपर्क और खान पान के नियमों का निर्धारण करती, ये भारतीय जाति व्यवस्था उन्होंने विश्लेषित किया। ड्यूमा कहते हैं जाति व्यवस्था एक विशिष्ट श्रम विभाजन की प्रणाली है, जिसमें विभिन्न जाति समूह अपनी व्यावसायिक विशिष्टता के आधार पर और पेशा ग्रहण करते हैं और आपस में एक दूसरे अन्योन्याश्रित रहते हैं। ये उन्होंने भारतीय श्रम विभाजन का एक परंपरागत स्वरूप देखा कि भारतीय जाति व्यवस्था एक डिवीजन ऑफ लेबर है, हालांकि इसका बहुत विरोध हुआ, लोगों कहते हैं ये उतना उचित नहीं है। फिर उन्हें यजमानी व्यवस्था पे आए, बोले भारत में जाति व्यवस्था यजमानी व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई है, ये एक सामाजिक प्रथा है जिसके अंतर्गत सेवा करने वाले विशेषक परिवार, वो विशेषक परिवार कहते हैं धोबी, लोहार, डोम, पुरोहित, कुमार, नाई, इनको कहते हैं विशेष उत्सव त्यौहार से लेके दैनिक जीवन में अपनी सेवाएं अर्पित करते हैं, मैरिज में तो खास इनका रोल होता है, और इनकी सेवाओं के लिए इनको पारिश्रमिक के स्थान पर पैसे न देकर वस्तुएं दी जाती हैं, खाद्यान्न दिया जाता है, कपड़े दिए जाते हैं, जमीन दी जाती है,
और इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करने वाले को प्रजा के नाम से प्रजा कहलाते हैं। जो सेवाएं प्राप्त करता है उसे यजमान कहते हैं, जो सेवाएं देता है वो यजमान कहलाता है। तो ये जो यजमानी व्यवस्था थी इसको उन्होंने जाति व्यवस्था के साथ जोड़ के उसको विश्लेषण किया। फिर जाति के उन्होंने कहा कि जातियां जाति पंचायतों में नहीं थे, जो कि किसी भी प्रकार के व्यक्ति को उसकी गलती होने पर दंड स्वरूप जाति से बहिष्कृत करने की शक्ति है, मतलब जाति से बहिष्कृत भी कर सकते हैं, जो एक सबसे बड़ा अपमान होगा। तो निष्कर्ष हम कह सकते हैं ड्यूमा ने भारतीय जाति संरचना और श्रेणी क्रम के अध्ययन में जो अन्य विद्वान थे वो जाति व्यवस्था के बृहत स्तरों का अध्ययन करते थे, गुण दोष देखते थे, उसको ना देखने के बजाय उनने मौलिक सिद्धांतों की खोज की है, जिससे संपूर्ण हिंदू समाज व्यवस्था पृथकता और संपूरकता के सिद्धांत द्वारा संस्थापित और नियमित रहा है। इसकी समालोचना बहुत हुई है। ड्यूमा का सिद्धांत कुछ लोग कहते हैं एक आदर्शवाद है, जिसमें कारण को कार्य मान लिया गया है। भारतीय समाज में असमानता की श्रृंखला भौतिक और आर्थिक कारणों से इसकी उपेक्षा हुई है। ये असमानता पर आधारित समाज को एक आदर्श समाज मानते हैं ड्यूमा। यजमानी व्यवस्था को उन्होंने जातियों की आर्थिक सुरक्षा का उपाय, जबकि यजमानी व्यवस्था लोगों का शोषण करती है। पूर्व और पश्चिम का विवाद पुराना है, ड्यूमा ने इस विवाद को हाईलाइट किया है। दूसरी चीज, ड्यूमा का सिद्धांत एक राजनीति से प्रेरित है। वह यह प्रमाणित करना चाहता है कि भारत में समानता और समाजवाद संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति एक असमान श्रेणीक्रम पर आधारित है। लीच ने तो यहाँ तक इनकी आलोचना करते हुआ कि किसी मॉडल के मूल्यों के आधार पर तथ्यों की व्याख्या करना एक दोषपूर्ण विधि है। लेकिन कितना भी इनकी आलोचना की जाए, ली ड्यूमा ने जो जाति की विवेचना की है वो एक अनुकरणीय और वह उसमें कई अभी भी भारतीय समाज में जब जाति व्यवस्था की बात की जाती है, ड्यूमा के सिद्धांत जो हैं, ड्यूमा के जो भारतीय संस्कृति के आधार पर जो ने जाति व्यवस्था की व्याख्या की है उसकी चर्चा की जाती है। आज जाति व्यवस्था पर ली ड्यूमा के सिद्धांत के साथ मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपसे विदा लेता हूँ।